ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज के सातवीं पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखनाथ मंदिर के सभागार में किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि आज हमारे पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनके आदर्शों से, उनके उस विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अपने को प्रेरणा प्राप्त करें, इसलिए यह आयोजन होता है। उन्होंने न केवल गोरखपुर, पूर्वांचल या प्रदेश अपितु देश के उन समस्त योगीजनों के लिए जिन आदर्शों व मूल्यों को रखा वह हमारे लिए अत्यंत प्रेरणा देने वाला है। गोरक्षपीठ के जिस विकास की नींव महंत दिग्विजयनाथ जी ने रखी उसको आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ ने गोरक्षपीठ का जो स्वरूप व मानदंड स्थापित किया वह हमारे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला है। उनका कार्य समाज के प्रत्येक तबके के सम्मान व विकास के लिए रहता था। संपूर्ण विश्व में योग को जो महत्व मिला है वह हमारे प्रधानमंत्री के प्रयास से संभव हो पाया है। उस योग परंपरा तथा शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों को गोरक्षपीठ हमेशा से करती चली आ रही है। आज हमारी संस्कृति व हमारी औषधियों को वैश्विक मान्यता मिली है। कोरोना महामारी में पूरा विश्व भारत के ज्ञान परंपरा व संस्कृति को अपनाया है। अयोध्या के कुछ गिने चुने संत थे और उनको महंत दिग्विजयनाथ का संरक्षण व नेतृत्व प्राप्त था। बाद में उनके आंदोलन को पूज्य गुरुदेव का संरक्षण व नेतृत्व मिला। आज भारत का डंका पूरे विश्व में इसलिए बजा है कि यहाँ के लोगों ने मोदी जैसा नेतृत्व देश को दिया। आज कुंभ को भी यूनेस्को ने मान्यता दी है। आज प्रदेश की जनता को भगवान श्री राम, बुद्ध, कबीर व रैदास का प्रतिनिधि मानकर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त हो रहा है। भारत की अखंडता के लिए एक शूल के रूप में धारा 370 को हमारे गृह मंत्री ने उखाड़ फेंका। पहले की सरकारों में आतंकवादियों का महिमा मंडन हो रहा था, आज देश में संतों महापुरुषों का महिमा मंडन हो रहा है। आज गुरुदेव की सातवीं पुण्यतिथि पर गोरक्षपीठ से जुड़ी सभी संस्थाओं या सामाजिक संगठन सभी के लिए मैं कहूँगा कि हम हमेशा राष्ट्र रक्षा के लिए प्रयास करेंगे और गलत लोगों व नीतियों का विरोध करेंगे। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज ने कहा कि श्रद्धांजलि किसे कहते हैं, यह समझने के लिए हम गोरक्षपीठ की परंपरा को देख सकते हैं। पूर्व महंतों ने भारतीय संस्कृति का विकास करने के लिए आवश्यक समझा कि भारतीय संस्कृति के आधार यह है कि भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो, यह परम आवश्यक है। इसलिए मंदिर निर्माण उन दोनों महापुरुषों का प्रधान उद्देश्य रहा। आज उनके शिष्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज विक्रमादित्य महाराज की तरह देश व प्रदेश के सभी तीर्थों का विकास कर रहे हैं। यही संस्कृति का विकास है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास महाराज ने कहा कि पूज्य महंत अवैधनाथ का जीवन हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहा है। उनके आंदोलन का ही परिणाम है कि 5 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया। रोहतक हरियाणा से पधारे अलवर राजस्थान के सांसद महंत बालकनाथ महाराज ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, अपितु इन्हीं पूज्य महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अपने जीवन में हम उतार ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि पूज्य दोनों संतों की भारत के सनातन जीवन मूल्यों के प्रति अपार श्रद्धा थी व सनातन धर्म तथा भारतीयता का अनुसरण ही उन्होंने जीवन भर किया। जिन कारणों से और जो कारक हिंदू समाज को कमजोर करने तथा समाज को विभाजित करने व भारत को कमजोर करने के माध्यम बनते थे उनका डटकर विरोध किया। हरिद्वार से पधारे योगी चेताई नाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ का उद्देश्य सेवा के साथ जुड़कर लोक मंगल के कार्यों को करते रहना ही है। अयोध्या से पधारे रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य महाराज ने कहा कि मुझे पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के जीवन को समीप से अनुभव करने का अवसर मिलता रहा। उनके नेतृत्व में गोरक्षपीठ रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सबको साथ लेकर सतत प्रयास करता रहा।
इस मौके पर विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह के दौरान विभिन्न पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राम जन्म सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मानस की प्रासंगिकता, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं राष्ट्र संत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि को समर्पित वार्षिक पत्रिका विमर्श, जिसके संपादक प्रोफेसर महेश कुमार शरण, डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र व मनीष कुमार त्रिपाठी हैं, तथा श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य शशि कुमार यादव द्वारा लिखित राष्ट्र संत अवैधनाथ सहस्त्र नामार्चन पुस्तक का विमोचन मंचासीन पूज्य संतों द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना व श्रद्धांजलि गीत महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज रामदत्तपुर गोरखपुर की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष भी एक पुस्तक का विमोचन किया गया था और इस वर्ष भी आप भाग्यशाली हैं कि देश के इतने तमाम सारे सेवाली जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा हो, पूरा का पूरा वातावरण राममय करते हुए बहुत बहुत बधाई बाबू राम जन्म सिंह। वार्षिक पत्रिका विमर्श का विमोचन डॉक्टर प्रदीप जी, दोनों पूज्य संत जनों और दोनों गोरक्ष पीठाधीशों के व्यक्तित्व कृतित्व स्मृतियों को जीवन बनाए रखने के लिए यह एक सारस्वत अनुष्ठान, सारस्वत प्रयास महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण डॉक्टर प्रदीप राव डॉक्टर चौधरी पुस्तक का भी विमोचन अपने पूज्य संत प्रबली महान अवैधनाथ जी महाराज की स्मृतियों को समर्पित पूज्य संत जनों द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण और विमोचन बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत साधुवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए दिवंगत महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं अवैधनाथ जी महाराज को पुनः पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए पूरे संत समाज के चरणों में आदेश दंडवत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, पूज्य बड़े महाराज की।
नमन है ऐसे महापुरुषों को, नमन है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ का शिष्य बनकर, और जब तक आखिरी सांस है हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए चाहे जान भी चली जाए तत्पर रहूंगा। जय श्री राम, जय भारत। एक बार बोलूंगा जोश के लिए, बोले ईशो निहाल, सत श्री अकाल। मैं इस महान पुरुष को चरण में आज इस शुभ अवसर पर शुभ दिन में श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए विनम्र प्रणाम करता हूँ। सभी के साथ भारत सेवा संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं मेरा विचार का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ हम सब की ओर से, जो यहाँ श्रद्धालु जन हमारे बीच हैं और हमारे मीडिया बंधु के सबके ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ आप सभी के चरणों में, संत जनों के और हमारे ब्रह्मलीन दोनों महंत जी योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में आज हम लोग जो काम कर सक रहे हैं इसके लिए मैं एक बार पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो आने वाले समय में हमारी परंपरा अक्षुण्ण होगी, हमारा समय अक्षुण्ण होगा, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। पूज्य महाराज श्री द्वय के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की। हमारे आगे आने वाले समय में महाराज श्री पुनः इस बागडोर को संभाले और जो शेष चीजें रह गई हैं उत्तर प्रदेश को और कुछ मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आज हम सभी लोग बड़भागी हैं कि ऐसे महान आचार्यों की, उस परंपरा के दिव्य दो महापुरुषों की श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग उपस्थित हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्तु। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ मंदिर की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं सज्जनों, जब सन 94 में पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज को हार्ट का अटैक हुआ तब सांसद थे दिल्ली में अशोक सिंघल जी को बुलाया गया और कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब ऐसा लगता है कि मैं चला जाऊंगा, अशोक जी कोई अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढिए। और अंत तो गत्वा सन 94 में अशोक सिंघल जी और हम, उसमें छोटी लाइन चल रही थी इलाहाबाद से, उसी छोटी लाइन में चौरी चौरा एक्सप्रेस में बैठ करके हम लोग सवेरे यहां पहुंचे। पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज ने कहा अशोक जी देखिए यही बालक है, इसको मैं महंत बनाना चाहता हूं। पूज्य नितगोपाल दास जी, परमहंस जी और सभी संतों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को गोरक्षपीठ का महंत बनाया गया है। हमने कहा महंत जी बालक तो बहुत छोटा है। कहा छोटा है लेकिन बहुत खोटा है। और कहा वेदांति जी मैंने परीक्षण करके इसको महंत इसलिए बनाया हूं कि तुम लोग तो केवल अयोध्या का नेतृत्व करते हो, तुम लोग केवल अपने जिले के देखते हो, संतों को देखते हो, लेकिन मैं जिसको बना रहा हूं एक दिन वो राष्ट्र का सबसे बड़ा चिंतक निकलेगा, वो राष्ट्र का सबसे बड़ा नायक निकलेगा। मैं सोचता था महंत वेदनाथ जी महाराज की वाणी कभी असत्य नहीं होती है और हमको उस दिन सत्य प्रतीत हुआ जब 2017 में स्पेशल विमान से योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली पहुंचाया गया और समाचार आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरक्षपीठ के पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने तो अपने हिंदू धाम में दीपकोत्सव मनाया, दीपक जला करके पटाखा फोड़ा कि चलो अच्छा हुआ अब इस देश से आतंकवाद समाप्त होगा, अब इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, अब प्रदेश के गुंडे
और अराजक तत्व लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके कहीं दूसरे देश की शरण लेंगे, और वही हुआ। आज निवेदन करना चाहता हूं, गुंडे या तो जमीन के नीचे चले गए या तो आकाश में चले गए, उत्तर प्रदेश की धरती में अब कोई गुंडा नहीं दिखाई देता है। आज निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री देने का मंत्र किसने दिया? ऐसा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री देने का मंत्र पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने दिया था। उनके मंत्र में इतनी ताकत थी। महंत दिग्विजयनाथ जी ने मंत्र दिया पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज को, और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने एक ही मंत्र दिया योगी आदित्यनाथ जी को। ऐसा मंत्र दिया कि आज उस मंत्र की शक्ति से उत्तर प्रदेश के शासक के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज को, जिन्होंने ऐसा चुनाव किया है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, सबको साथ में मिलाकर चलने के लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन नारों के आधार पर देश के लोगों को जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में इस किसी ने किया है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से अराजकता को समाप्त किया है, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, उत्तर प्रदेश से आतंकवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुत्व के स्वाभिमान को जगाने के लिए सारे देश में जिस महापुरुष ने डंका बजाया है, अब हिंदुत्व के मार्ग पर चलना होगा। ऐ देश के गद्दारों, ऐ देश के पाकिस्तानी नारा लगाने वाले लोगों, अब भारत में तुमको जगह नहीं मिलेगी। यदि जगह लेना है, प्राण बचाना है, तो पाकिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, भारत में तुमको जगह नहीं मिलेगी। ये योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा है। आज मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि सामाजिक दृष्टिकोण से सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उस नारा को चरितार्थ योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। एतदर्थ मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, और भगवान गोरक्षनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से इस काम को पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने प्रारंभ किया था, उसको उसी रूप से अनवरत चलाए रखने की कृपा करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ महंत द्वय के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं उनके आशीर्वाद से महंत दिग्विजयनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी महाराज के श्री चरणों में इतना शब्द कहते ही महाराज जी की आज्ञा है तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की। ये सुंदर अवसर है और सुंदर व्यवस्था है और सुंदर हमारा आने वाला भविष्य है। इस भाव से इन सुंदर अवसरों का, इन सुंदर वातावरण का, इस सुंदर नेतृत्व का हम सब लोग मिलकर साथ दें और आने वाले समय पर हम सब अपने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में, आपकी सबकी मंगल कामना के साथ में, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक जोरदार जयकारा हम सबको मिलकर लगाना है। बोलिए भारत माता की। देखो आवाज पीछे से तो आई नहीं, आगे थोड़ी बहुत आई है। जोर से जयकारा लगाए, भारत माता की। धन्यवाद। ऐसे ब्रह्मलीन युग पुरुष श्री महाराज जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष
हमें समझना होगा और जनता को जागृत करना होगा जाकर के कि वास्तविक संस्कृति क्या है। हमें जनता को जागृत करने के लिए कमर कस के तैयार होना होगा कि वास्तविक संस्कृति क्या है। बंधुओं, इसके साथ साथ हम अपने वक्तव्य को यहीं पर आगे के लिए रामचंद्र परमहंस जी के शब्दों में स्थगित करता हूं, समाप्त नहीं। रामचंद्र परमहंस जी की बात याद आती है, वो कहते थे मैं समाप्त अपना वक्तव्य इतनी देर तक दिया और उसी को मैं समाप्त करूं, ये कौन सी बुद्धिमानी। इसलिए मैं इसे पुनः स्थगित करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराष्ट्र। और अब फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, कभी कभी ही निकलता है आफताब कोई। ऐसे हिंदुत्व के आफताब, हिंदुत्व के सूर्य, भारतीय संस्कृत को अपने जीवन का हर क्षण हर तिल समर्पित करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचन और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। पूज्य महाराज श्री। पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की सातवीं पुण्यतिथि आज के इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से पधारे पूज्य स्वामी गोपाल जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक के श्री महंत और अलवर से लोकप्रिय सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, जूनागढ़ से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामदास वेदांती जी महाराज, आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार के पूर्व औषधि महानिदेशक डॉक्टर जयंत सिंह जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, प्राचार्य आचार्य और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, पूज्य गुरुदेव की आज सातवीं पुण्यतिथि है और प्रतिवर्ष इस पावन अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा पूज्य संतों के सानिध्य में उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हम सब जानते हैं कि श्रद्धांजलि का हेतु तो वैसे भी अपने उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ साथ उनके आदर्शों से
उनके उस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से हम कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें, कुछ प्रकाश प्राप्त कर सकें, इस हेतु होता है। और यही कारण रहा है कि हमारा तो सौभाग्य है कि सनातन हिंदू धर्म में ये जो पक्ष है ये पितरों को समर्पित होता है, श्राद्ध का पक्ष माना जाता है। और इसी पक्ष में गोरखपीठ के आचार्य द्वे ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से न केवल गोरखपीठ के लिए, गोरखपुर के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि संपूर्ण योगी समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के सामने उन्होंने कुछ मूल्यों, कुछ आदर्शों की स्थापना की थी। उन्हीं को स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष गोरखपीठ की ओर से आयोजन यहां पर प्रतिवर्ष होता है। विगत कुछ वर्षों से मेरी व्यस्तता के बावजूद गोरखपीठ और माणा प्रताप शिक्षा परिषद इन आयोजनों को अनवरत रूप से उसी भव्यता दिव्यता के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में यहां पर आयोजित कर रहा है। यह मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण होता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं गोरखपीठ में या गोरखपुर में, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। याद करिए गोरखपीठ, जिसने आज से 50 वर्ष पहले गोरखपीठ को देखा होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा होगा कि समय के अनुरूप गोरखपीठ ने उस प्रकार की रचना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। प्रबलित महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने भूमिका रची, नींव रखी, और प्रबलित महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने उस नींव पर भव्य मंदिर निर्माण या भव्य भवन के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और ये हर एक क्षेत्र में हुआ है। वह हमारे गोरखपीठ के अंदर हो, नाथ संप्रदाय का जो भी भारतीय संगठन है योगी महासभा, उसके साथ हो, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी उपासना विधियों के लिए किए जाने वाले कार्य हो, अपने मानवत्वों की पुनर्स्थापना से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बिना हिचक, बिना झुके, बिना टिके, बिना हटे, निरंतर उसके लिए अहर्निश प्रयास करने का कार्य रहा हो, या फिर अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को अछूने बनाए रखते हुए समाज के प्रत्येक तबके को नवीनतम ज्ञान से उत्प्रोत करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई। हमें आश्चर्य होता है, वास्तव में देख करके कभी मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं पिछले 25-30 वर्षों से गोरखपीठ के हरेक कार्य के साथ जुड़ा हूं, उसको नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाना, '45-46 में महिला शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना हो जाना, 1956 में माणा प्रताप
पॉलिटेक्निक की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ की स्थापना कर देना, भारत की प्राचीन आरोग्य की पद्धति आयुर्वेद हॉस्पिटल और आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना के लिए कदम बढ़ाना, यानी आप देख रहे होंगे अलग अलग पक्ष हैं, दुनिया आज जिसको मान्यता दे रही है, आयुष किस ताकत को आज दुनिया ने महसूस किया है, हाँ वहां तक पहुंचाने वाला कोई इससे पहले नहीं था। इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को एक वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है। आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है, ये पूर्णतः योगपीठ है। देखा होगा कैसे कोरोना महामारी के दौरान आयुष काढ़ा, आयुष कवच, आयुर्वेद से जुड़े हुए वे तमाम नुस्खे जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, इन सभी को कौन ऐसा भारतीय परिवार है। मुझे अभी हाल ही में एक सज्जन मिले जो अमेरिका में रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए थे, अपनी जेब में एक छोटी सी एक ड्रॉप रखे हुए थे, जैसे उनके लिए कोई पे आया, मैंने पानी आया तो उन्होंने उसमें दो ड्रॉप डाले। मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा तुलसी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका से आप लेके आए, उन्होंने कहा हाँ, ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से तुलसी का इतना प्रचलन वहां पर हुआ है कि लोग हरेक उसके साथ इस बात को मान रहे हैं कि तुलसी में इतनी ताकत है जो व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि कर सकती है। देखिए तुलसी का पूजन कौन, भारत का सनातन धर्म का ऐसा, यानी हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वैष्णव कौन है ये पहचानने के लिए वह जब विभीषण किया जाता तो वह तुलसी का पौधा ही देखते हैं। याद करिए हजारों वर्ष पहले भी तुलसी की मान्यता हमारे यहां पे, अलग विषय की वेदांती जी ना मानते हैं। मैं गया था उनके यहां, यहां तुलसी नहीं देखी मैंने, मुझे नहीं देखने को मिला, लेकिन अमेरिका भी तुलसी की ताकत को महसूस कर रहा है। और ऐसे ही मैंने कहा और क्या है, उसने कहा कि एक दिन मैं न्यूयॉर्क में निकल रहा था, एक जगह लाइन लगी थी तो मुझे कौतूहल हुआ कि क्यों लाइन लगी है, तो मैं रुका तो कहा वहां पर हल्दी का पानी पीने के लिए लोग, यानी दो दो चम्मच पानी हल्दी का पानी पीने के लिए वो लाइन लगी थी। हल्दी के प्रति ये दुनिया के अंदर ये उत्सुकता, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके घर का कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें हल्दी का उपयोग आप न करते हैं, कौन सा है, आप कुछ भी बनाए, सब्जी बनाए, दाल बनाए, खिचड़ी बनाए, या बगैर हल्दी के होता है क्या, हर मसाले में आप हल्दी का उपयोग करते हैं। मुझे जूनागढ़ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था बापू के कार्यक्रम में, तुलसी विवाह का भव्य आयोजन उन्होंने किया था, भव्य
था ये घर, ऐसे लगता था जैसे कोई अपने घर की किसी लड़की की शादी कर रहे हैं। बरात बकायदा बरात आई थी और तुलसी विवाह का कार्यक्रम उसी श्रद्धा और उसी विश्वास के साथ हो रहा था। भारत के संस्कार में सब बसा हुआ है लेकिन हमने कभी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने शास्त्र के मर्म को समझने का प्रयास ही नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना तो क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति। किसी ने कुछ भी किया है तो उसके प्रति श्रद्धा का अभाव वही हमें ज्ञानवान बना देगा, कोरा पुस्तकीय ज्ञान हमें कभी आगे नहीं बढ़ा सकता, व्यवहारिक धरातल पर भी हमें उतारने की ताकत अर्जित करनी होगी और व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए ही मुझे याद है पहले यहां पर जो कार्यक्रम होते थे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थाओं का योगदान केवल एक दिन होता था श्रद्धांजलि सभा के, मैंने कहा भी नहीं ऐसा नहीं चलेगा, यहां पे जो भी वक्ता आता है वह उस क्षेत्र का अधिकृत विद्वान होता है, उसके पास व्यवहारिक जानकारी होती है और इसलिए व्यवस्था बनाओ कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अलग अलग संस्थाएं अलग अलग दिन इस कार्यक्रम में भागीदार बने और फिर इस प्रकार की गोष्ठियां अलग अलग संस्थाएं अपने अपने यहां फिर आयोजित भी करें। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, एक सैद्धांतिक ज्ञान है, जब तक आप इसको व्यापारिक रूप से नहीं अंगीकार करेंगे और इसको चरितार्थ नहीं करेंगे, आचार और विचार में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा, जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। और इन महापुरुषों का, इन सिद्धों का, इन संतों का, इन योगियों का यह आदर्श, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हम सबको व्यवहारिक धरातल पर उतारने की प्रेरणा देता है। एक दिन में कोई निर्माण नहीं होता है, वर्ष लगते हैं, युग लगते हैं, धैर्य के साथ उसका इंतजार करना, उसके साथ जुड़ना, अपने स्तर पर हमारा क्या दायित्व होता है उस दायित्व के साथ अगर हम जुड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें सफलता और तेजी से आगे बढ़ती है। कौन सोचता था देश 1947 में आजाद हो, 1949 में अयोध्या में विवादित ढांचे के अंदर रामलला का प्रकटीकरण हो जाता है, उस आंदोलन में उस समय अयोध्या के गिने चुने संत थे, बाबा जी रामदास जी, पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, और इन सबको संरक्षण किसका प्राप्त था, पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का। ब्रह्मंस जी महाराज तो यहां जब भी आते थे तो एक ही बात कहते थे, कहते थे देखिए मैं कुछ नहीं जानता, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज तो मेरे लिए गुरु तुल्य। और जितना ब्रह्मंस जी महाराज में फक्कड़पन था उतनी ही विद्वत्ता भी, उसी विद्वता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ अपनी बातों को बेबाक तरीके से मंचों पर रखते भी थे। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की ही प्रेरणा से हाईकोर्ट में राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ना है इसको लेकर के ब्रह्मंस जी महाराज गए, वही मुकदमा फिर आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। याद करिए कैसे एक से एक पीढ़ी जुड़ती गई, सभी संत पूज्य संतगण यहां पर हैं और सचमुच मैं जब अयोध्या जाता हूं पता ही नहीं लगता कि मैं गोरखपुर में या अयोध्या में, कभी नहीं पता लगता।
सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने लोग हैं, सब अपने साथ एक साथ मिलकर के अपने घर जैसा माहौल दिखता है, और मुझे भी नहीं लगता है, लोगों को लगता था 2017 को जब पहले हम लोग पहली बार अयोध्या गया था, लोगों को लगता था कि जाएंगे बहुत विवाद होगा। मैंने कहा देखो अयोध्या में कोई विवाद नहीं होगा, श्री राम जन्मभूमि के लिए गोरक्षपीठ के समर्पण को हर व्यक्ति जानता है, और किसी को संदेह गोरक्षपीठ में किसी पे कोई कर मिले, लेकिन मोदी जी पर और गोरक्षपीठ पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, जो कहा है वो। और तब इस विश्वास के साथ मैं अयोध्या में गया था दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के, सभी पूज्य संत आए थे, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी आए थे, आज उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, लेकिन वे भी उस कार्यक्रम में थे, हर एक घर वर्ष कार्यक्रम में थे, विगत वर्ष में नहीं थे, उनके उत्तराधिकारी कार्यक्रम में थे। लेकिन दीपोत्सव में एक एक संत की भावना, जिन संतों का वर्तमान में भौतिक सानिध्य पूरे समाज को मिल रहा है, इनका तो था ही, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से आज भी हम सबको अनुप्रेरित करते हैं, वे भी प्रफुल्लित हो रहे थे। अयोध्या के दीपोत्सव को देखकर देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक उत्साह का माहौल था, कितना मैं देख रहा था सोशल मीडिया में पूरा रंगा हुआ था, अयोध्या 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 सबके मुंह पे थी, और आज वो सचमुच अयोध्या हो गई है। आज अयोध्या बन गई, सप्तपुरियों में से पहली पुरी बन गई है, उसके अनुसार उसकी भव्यता उसकी दिव्यता देश और दुनिया के सामने आ रही है, यह हम सबका दायित्व बनता है, अपने मानवीयों की पुनर्स्थापना के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए, उनके वैदिक उनके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए, एक सरकार के भरोसे नहीं होता है, समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, संतों को नेतृत्व देना पड़ेगा, आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ेगा। आज भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया में बज रहा है इसलिए क्योंकि भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी नेतृत्व भारत को दिया है, और आज यही कारण है कि दुनिया के अंदर कुंभ को मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी जाती है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिलती है। कुंभ तो हजारों वर्षों से दुनिया ने मान्यता नहीं दी, कुंभ के बारे में क्या कहते थे लोग, जहां असुरक्षा हो, गंदगी हो, भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, वह कुंभ है। मोदी जी ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि कुंभ में गंदगी न हो, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, हर जगह एक सुव्यवस्था दिखे। हम लोगों ने कहा जरूर प्रयास करेंगे, और आज आपने देखा होगा प्रयागराज को कितनी भव्यता के साथ, जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली, इससे पहले होता क्या था, उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहर ऐसे थे जहां के बारे में लोगों के मन में धारणा थी कि इन लोगों को अगर हम अपने यहां धर्मशाला में या होटल में कमरा दे देंगे तो कहीं हम पर आतंकवादियों को प्रश्रय देने का आरोप न लग जाए, इसलिए लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके नहीं देते थे, कतराते थे, नहीं भैया नहीं देना। लेकिन आज तो नहीं है, आज हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश का हर वासी प्रभु राम का प्रतिनिधि है, उनका मानर है, उनका भालू है, और वह आएगा तो हमें उसको वही सम्मान देना है। उनका प्रतिनिधि है भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि है, भगवान बुद्ध का प्रतिनिधि है, बाबा गोरखनाथ का प्रतिनिधि है, संत कबीर का प्रतिनिधि है,
इन पूज्य संतों का प्रतिनिधि है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था इन मानवीयताओं की पुनर्स्थापना के लिए। अयोध्या के लिए क्या क्या नहीं संघर्ष करना पड़ा था, सब कुछ करना पड़ा था, तभी सफलता प्राप्त हुई। और उस सफलता के लिए जो हर निष प्रयास में किसी ने अपना नहीं देखा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं कहा। मैंने अयोध्या में बात कभी नहीं सुनी कि मुझे क्या मिलेगा। सबके मुंह से एक बात निकलती थी, किसी भी संत से बात करो वो कहते थे कि कुछ नहीं, केवल एक काम हो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। हर व्यक्ति की बात जब चारों ओर से एक आवाज निकलती है तो सपना साकार होता है, संकल्प साकार होता है, उसको साकार होने में कोई देर नहीं लगती है। लेकिन जब ये होता है कि मैं और मेरा होने लगता है तो भाइयों बहनों कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। वहां द्वंद्व होता है, महाभारत होता है, अराजकता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, आतंकवाद फैलता है, और हम सबको इस बारे में हमेशा ध्यान रखना होगा। ये सफलता की कहानियां हैं जिस मार्ग का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। राष्ट्र नायकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कितनी सफलता प्राप्त की। गृहमंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाने में कोई कोताही नहीं बरती। ये जानते थे ये धारा देश के लिए खतरनाक है, भारत की एक और अखंडता पर एक सूल है, इस सूल को उखाड़ फेंको, आतंकवाद सदियों के लिए समाप्त हो जाएगा। आज वो समाप्त हो रहा है। जो हिंदू जो सिख प्रताड़ित थे, अपमानित थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कैसे दुर्भाग्यवादी थे उनके चरित्र कि उनको कोई देश अपना नहीं मान पाता। मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, नहीं ये सब हमारे, और कानून बना करके उन सबको भारत का नागरिक, भारत के नागरिक बना दिया। कहां जाएगा दुनिया का हिंदू, कहां जाएगा दुनिया का सिख, बौद्ध, जैनी, ये कहीं कहां जाएंगे। अंततः जब संकट आएगा तो उन्हें भारत की तरफ ही देखना होगा, और भारत उन्हें दोनों हाथ फैलाकर का मारा है। जब एक कानून बनता है आपने देखा होगा तमाम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बिना उसका विरोध किए इसको लागू किया गया। क्या एक पहले की सरकार कर पाती, हिम्मत नहीं थी। जब नजरिया वोट बैंक होगा तो यही सब देखने को मिलता है। अराजकता, आतंकवाद, पहले की सरकारों में आतंकवादियों के मुकदमे भी दर्द वापस होते थे, आतंकवादियों के मेहमानमंडल होते थे, शहीदों का अपमान होता था। आज तो आतंकवादी का मेहमानमंडल कोई नहीं कर सकता। ये तब हो रहा है जब देश के अंदर कोई राष्ट्र नायक जैसा नेतृत्व होता है, संतों की प्रेरणा होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तब ये सब संभव हो पाता है। और आज उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वो बहुत सार्थक है। हम सब धन्य हैं और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने पूज्य गुरुदेव का लंबे समय तक सानिध्य प्राप्त हुआ, लंबे समय तक सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ मुझे तमाम व्यवहारिक जानकारियां लेने और उसको जानने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है जो अन्यत्रों के लिए, अन्यों के लिए बहुत दुर्लभ होता है। और आज यही कारण है हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ संत समाज का भी, उत्तर प्रदेश शासन का भी और उत्तर प्रदेश की जनता का भी पूरा सम्मान बरकरार रखते हुए जिन मूल्यों, जिन आदर्शों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं उनको उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज पूज्य गुरुदेव की सातवीं पुण्यतिथि है। गोरक्षपीठ, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं,
नाथ संप्रदाय की जो अधिकृत सबसे बड़ी संस्था है योगी महासभा या सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हमारे खड़दर्शन संप्रदाय या भारत के अंदर के सभी संप्रदाय जो भारत और भारतीयता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं, उन सब का जो विकास हो रहा है हर प्रकार का आध्यात्मिक सांस्कृतिक भौतिक विकास के जिस नित्य नवीन प्रतिमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं अभिनंदनीय है, हम सबको उसके साथ जोड़ना चाहिए। हर सार्थक और अच्छे प्रयास के लिए हमारा समर्थन और सहयोग होना चाहिए। अच्छे प्रयास को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और गलत प्रयास कहीं से भी हो कोई भी करे उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके कारण राष्ट्र की सीमा बाधित होती हो। गोरखपीठ ने कभी अपने को एक उपासना अवधि तक सीमित नहीं रखा, ये नहीं माना कि हम नाथ संप्रदाय के तो नहीं क्यों नाथ संप्रदाय की बात कर ली। वर्कस्पीड ने कभी ये नहीं माना कि हम स्वयं परंपरा के तो स्वयं परंपरा को मानेंगे, नहीं, जो भारत के हित में होगा भारत की आने वाली पीढ़ी के हित में होगा वर्कस्पीड उसका सदैव समर्थन करेगी, सदैव उसका समर्थन करेगी। और इसीलिए 40 के दशक में बालिकाओं की शिक्षा, 50 के दशक में यहां पर तकनीकी शिक्षा, 60 के दशक में आयुष के और संस्कृत के लिए गोरखपीठ के द्वारा बड़े बड़े संस्थान स्थापित करना, उसी दशा में प्रयास यानी पिछली सदी के प्रयास है जो एक धार्मिक पीठ अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकती थी और वह ही क्रम आज निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, अलग अलग स्थानों से हमारे पूज्य संतगण आए हैं, कोई हरिद्वार से, कोई अयोध्या से, कोई प्रयागराज से, कोई जूनागढ़ से, कोई रोहतक से, कोई काशी से, देश के अलग 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 कोने से पूज्य संतों का श्रद्धालुजनों का यहां पर आगमन हुआ है। उन सबको मैं हृदय से वर्कस्पीड की ओर से साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उनका वर्कस्पीड पर है वर्तमान की शासन व्यवस्था पर है वह विश्वास उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और अब दो सूचनाएं, सभागार में आमंत्रित अतिथियों के बाहर निकलने के पश्चात ही शिक्षा परिषद के लोग बाहर निकलेंगे, छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षार्थी अभी बैठे रहें, पहले आमंत्रित अतिथियों को सभागार से बाहर निकलने दें, शिक्षा परिषद के लोग इसके बाद बाहर निकलेंगे। यात्री निवास में आप सबके प्रसाद की व्यवस्था है, यात्री निवास में प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही आप सब लोग अपने अपने घरों को जाएं।